जिला बरनाला में 75वें आजादी दिवस को सादे परंतु प्रभावशाली तरीके के साथ मनाया गया। इस मौके पर जंगलात सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री पंजाब की तरफ से राष्ट्रीय झंडा फहराने की रस्म अदा की गई। इस मौके पर जिला निवासियों के नाम संदेश देते हुए कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि उन्हें गर्व है कि देश के आजादी संघर्ष के दौरान पंजाबियों ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है और इनके सदका देश को आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि सांझे प्रयासों के साथ हम कोरोना को भी जरूर मात देंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की रहनुमाई में पंजाब राज्य आज कृषि, बिजली, बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, गांव के सर्वपक्षीय विकास, शिक्षा, सेहत, वातावरण, समर्थकी माहौल सृजन करने, उद्योग, नागरिक सेवाओं और वीआईपी कल्चर खत्म करके नाम कमा रहा है। पंजाब सरकार ने जहां फसलें हाथों हाथ उठवाई और 48 घंटों के अंदर फसलों की अदायगी करवाई, वहीं लाखों किसानों का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ किया है। इस मौके पर मुख्य मेहमान सहित डिप्टी कमिश्नर बरनाला तेज प्रताप सिंह फूलका, विधायक परमल सिंह धौला, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन मक्खन शर्मा, पूर्व विधायक बीबी हरचंद कौर घनौरी और बीबी सुरेंद्र कौर वालों की तरफ से भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस मौके पर जिला पुलिस प्रमुख संदीप गोयल भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर बरनाला पुलिस की टुकड़ी की तरफ से शानदार परेड की गई। पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व इंस्पेक्टर बलजीत सिंह और पुलिस बैंड का नेतृत्व इंस्पेक्टर गुरचरण सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य मेहमान की तरफ से जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और सिलाई मशीनें बांटी गई और अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं निभाने वालों को पौधे देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला और सेशन जज वरिंदर अग्रवाल, अतिरिक्त सेशन जज बरजिंदर पाल सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित बैम्बी, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर नवल राम, सहायक कमिश्नर देव दर्शन दीप सिंह, एसपी जगविंदर सिंह चीमा, एसपी सतवीर सिंह अटवाल सहित अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हिंदुस्तान वासियों नूं सारियां नूं, भारत वासियों नूं अज आजादी का दिहाड़ा सानू मिलिया। बड़ियां कारना घाल के साडे शहीदां ने, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव प्रताप सिंह सराभा, शहीद आजम ऊधम सिंह जी, इन्हां ने आजादी के सुपनों नूं लै के ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਹੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਬਰ ਤੈਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀਏ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ।